वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर नेटवर्क एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क और इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि आज के आधुनिक युग में दुनिया के लगभग 90% काम जो है वो हमारे इंटरनेट से ही चलते हैं। अगर एक दिन के लिए भी दुनिया में इंटरनेट बंद हो जाए तो एक दिन में ही दुनिया में लगभग खरबों के हिसाब से नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट नेटवर्क से। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर इंटरलिंक्ड टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल टू शेयर और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन अमंग देम। कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर नेटवर्क जो है एक ग्रुप है, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर का, दैट आर इंटरलिंक्ड। इंटरलिंक्ड मतलब आंतरिक रूप से जुड़े हुए होना। दैट आर इंटरलिंक्ड टुगेदर, आपस में, जो आपस में आंतरिक रूप से जुड़े हुए होते हैं थ्रू कम्युनिकेशन चैनल। थ्रू मतलब जरिए, कम्युनिकेशन मतलब संचार, चैनल मतलब साधन, किसी न किसी संचार के माध्यम या साधन द्वारा। टू शेयर और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन अमंग देम, इन्फॉर्मेशन को आपस में शेयर और उसका आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज, अब कंप्यूटर का वर्गी, कंप्यूटर का जो नेटवर्क है उसका वर्गीकरण किया हुआ है, इसको चार भागों में वर्गीकृत किया हुआ है। सबसे पहला है LAN, LAN stands for local area network. Second, MAN, MAN stands for metropolitan area network. Third, WAN, WAN stands for wide area network. PAN, PAN stands for personal area network. First है हमारा LAN. A local area network is a network that connect computers in a limited geographical area such as in a school building or in an ICT lab etc. अब local area network एक ऐसा network है that connect computer in a limited geographical area, जो computers को एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जोड़ता है, जैसे कि एक school के building या फिर एक आईसीटी में लैब में रखे हुए 10-12 कंप्यूटर को आपस में जो हम जोड़ते हैं उस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। एक बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर जुड़े हुए, एक लैब के अंदर कंप्यूटर जुड़े हुए आपस में, इस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे नीचे है ना एक डायग्राम दिखाया हुआ है, ये देखो 3, 4, 5, 6 कंप्यूटर हैं, इनको नेटवर्क के ऊपर ये स्विच, स्विच जो होता है वो नेटवर्क के ऊपर हमारे जो भी डिवाइसेस काम कर रही होती है, हमारे जो पीसी काम कर रहे होते हैं उनको आपस में जोड़ता है। ठीक है, ये नेटवर्क के ऊपर हमारे सर्वर के साथ जुड़े हुए हैं और सर्वर जो है हमारा इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, साथ में प्रिंटर भी जुड़ा हुआ है, जैसा कि हम लैब में देखते भी है ना, सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, एक जगह से कमांड देंगे तो प्रिंटर निकल रहा है ना, और सारे के सारे कंप्यूटर्स पे एक जगह पे नेट कनेक्ट किया और सारे के सारे कंप्यूटर जो हैं वो उसी के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, मैन, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट डिफरेंट लैंड्स इन ए लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया। अब मेट्रोपॉलिटन को हिंदी में बोलते हैं महानगर। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया इज ए नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है दैट कनेक्ट डिफरेंट लैंड्स, जो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क्स को जोड़ता है इन ए लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया, एक बहुत ही बड़े भौगोलिक क्षेत्र में, अप टू कहाँ तक, 5 से 50 किलोमीटर के दायरे में आपस में ये सारे के सारे जो भी लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं उनको जोड़ता है, लेकिन एक महानगर में। ठीक है, A metropolitan city is a city whereas the population more than 10 lakhs. ठीक है,
अब मेट्रोपॉलिटन सिटी, एक महानगर क्या होता है? अब महानगर एक ऐसी सिटी है, एक ऐसा शहर है जहां की पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख या उससे ऊपर होती है, जैसे कि सच एज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और सूरत। अब इस तरह की जो सिटीज होती हैं, इस तरह के जो महानगर हैं जहाँ के जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क जो होते हैं, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखो, एक मुंबई है, मुंबई में देखो एक लोकल एरिया नेटवर्क मान लो यहाँ पे है, ये दूसरी जगह पे है और ये तीसरी जगह पे है। इन सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ा हुआ है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर, एक महानगर के अंदर। तो इस नेटवर्क को हम क्या बोल रहे हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड है वैन। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब हुआ विस्तृत, एक बहुत ही बड़े स्तर पर। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क सच एज लैंड्स, मैंस एटसेट्रा। अ वाइड एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है हमारे तरह तरह के नेटवर्क्स को, जैसे कि इसमें लैन भी आएंगे, मैन भी आएंगे, यानी कि पूरे के पूरे नेटवर्क्स, अलग अलग तरह के जो नेटवर्क हैं वाइड एरिया नेटवर्क, उन सारे नेटवर्क्स को मिलाकर बनता है फ्रॉम। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि वैन में हमारे कंप्यूटर कैसे जुड़े होते हैं। इट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ता है। फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक देश को दूसरे देश के साथ। मीन्स मतलब इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं, इन सारी की सारी कंट्रीज के जो जितने भी अलग अलग तरह के नेटवर्क हैं, इन सारे के सारे नेटवर्क को जोड़कर, कनेक्ट करके जो नेटवर्क बनता है उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क यूजेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन और टेलीफोन लाइंस फॉर डाटा ट्रांसमिशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है, ये क्या क्या यूज करता है? सैटेलाइट को भी यूज करता है ये संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और टेलीफोन लाइंस फॉर डाटा ट्रांसमिशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। डाटा के ट्रांसमिशन के लिए पूरी की पूरी दुनिया में ये सैटेलाइट को भी यूज करता है और टेलीफोन लाइंस को भी यूज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे देखो, ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये चाइना है, ये यहाँ पे हमारा एचपी है, दिल्ली है। ठीक है, हमारा एचपी दिल्ली आपस में, यानी कि पूरे का पूरा ये हमारा इंडिया है। देखो, इंडिया के अंदर है एचपी दिल्ली, ये सारे के सारे हमारा जो कंट्री है आपस में, ये हमारा देश आपस में जुड़ा हुआ है, सारे के सारे राज्य। ठीक है, और हमारे राज्य जो हैं वो दूसरे देश के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ये देखो, टेलीफोन लाइन के जरिए ये रूटर लगा हुआ, ये लैंडलाइन भी है, आपस में जुड़े हुए हैं, और सैटेलाइट के जरिए भी हम आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये एक वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, पैन। पैन स्टैंड्स फॉर अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। अ पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस सच एज ब्लूटूथ। अ पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है एक वायरलेस कम्युनिकेशन है, एक बिना तारों का संचार है जो भी उपकरण है उनके बीच में, जैसे मोबाइल फोन के बीच में करते हैं ना ब्लूटूथ एक दूसरे को डाटा, तो ये हम पर्सनल करते हैं, आपस में करते हैं, निजी तौर पे करते हैं। तो इस नेटवर्क को हम क्या बोल रहे हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे नीचे दिया हुआ ना, हम मोबाइल फोन को आपस में ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करते हैं और एक दूसरे को ब्लूटूथ करते हैं, या वाईफाई शेयर के जरिए भी हम एक दूसरे को भेजते हैं, तो वो भी एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये थी हमारे नेटवर्क की क्लासिफिकेशन। अब आता है इसके बाद इनके बीच में क्या अंतर है। ठीक है, इन अंतरों से ही हमें क्लियर हो जाएगा कि लैन मैन और वैन क्या है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैन मैन एंड वैन। सबसे पहले लैन। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन महानगर, ठीक है, मैंने पहले बता दिया क्वेश्चन में, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये एक डिफरेंस हो गया। सेकेंड, लैन यूजेस गाइडेड मीडिया लाइक ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिकल केबल। अब देखो, लैन के अंदर जो है हम गाइडेड मीडिया को बोलते हैं, हम वायर्ड मीडिया जिसमें हम तारों को यूज करते हैं उसको हम गाइडेड मीडिया बोलते हैं। ठीक है,
जिसमें हम तारें यूज करते हैं तरह तरह की, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है और फाइबर ऑप्टिकल केबल्स हैं। ये उन केबल्स की टाइप हैं जिनको हम लैन में यूज करते हैं। ठीक है, मैन यूजेस बोथ गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। अब मैन जो है वो दोनों यूज करता है, गाइडेड भी और अनगाइडेड भी, मीन्स वायर्ड भी, तारों वाला भी और बिना तारों वाला भी। ठीक है, यानी कि वायरलेस भी और सैटेलाइट वाला भी। वैन यूजेज अनगाइडेड मीडिया लाइक सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जबकि वैन जो है वो यूज करता है अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मतलब बिना तारों वाला, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। वायर्ड भी यूज करता है वैन, जैसे कि क्वेश्चन में भी पीछे डिस्कस किया है, लेकिन ये एक तरह का डिफरेंस बन जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है, लैन प्रोवाइड हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन 100 kbps टू 100 mbps। अब लैन की जो ट्रांसमिशन की स्पीड है वो 100 kb, 100 kbps स्टैंड्स फॉर किलोवाइट पर सेकेंड, टू 100 mbps मेगावाइट पर सेकेंड। ये फुल फॉर्म है kbps के, ठीक है, और mbps की। 100 kb से लेके 100 mb के बीच में लैन की स्पीड है डाटा को ट्रांसफर करने की, डाटा की ट्रांसमिशन की। और मैन में मैन प्रोवाइड अ हाई स्पीड फॉर डाटा ट्रांसमिशन 2 mbps टू 300 mbps। अब देखो मेट्रोपॉलिटन में जो ट्रांस डाटा की ट्रांसमिशन स्पीड है वो 2 mb से 300 mb तक चली जाती है। ठीक है, 2 mbps मतलब 2 MB/s से लेके 300 MB/s। ठीक है, और वैन में दी स्पीड ऑफ वैन कैन गो अप टू 100 150 mbps, जबकि वैन में डाटा की जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो 150 MB/s तक भी चली जाती है। ठीक है, इसका फोर्थ पॉइंट है, इट यूजेस इन एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। अब एक्सपेंसिव का उल्टा है यहाँ पे इनएक्सपेंसिव। ठीक है, एक्सपेंसिव होता है महंगा, इन एक्सपेंसिव मतलब उसका उल्टा सस्ता। इट यूजेस इन एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, ये बहुत ही सस्ते इक्विपमेंट को यूज करता है, जबकि मैन इट यूजेस मॉडरेट एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, जबकि ये मध्यम मध्यम बोल सकते हैं ना इसको, मॉडरेट मतलब मध्यम दर्जे के जो भी महंगे उपकरण होते हैं उनका इस्तेमाल करता है, मॉडरेट एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, जबकि वैन में इट यूजेस एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, जबकि वैन में बहुत ही ज्यादा महंगे इक्विपमेंट जो है वो यूज करते हैं, क्योंकि ये एक वायरलेस मीडिया है। ठीक है, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, एरर रेट्स आर लो इन लैन, गलतियों की जो संभावना होती है लैन में वो कम होती है। ठीक है, इसमें डाटा की जो ट्रांसमिशन स्पीड और डाटा का जो एक तरह से आपस में जो ट्रांसमिशन होता है वो टूटता नहीं है, अच्छे से डाटा का ट्रांसमिशन होता है और सक्सेसफुल होता है, उसमें गलतियां बहुत कम होती हैं। जबकि मैन में एरर रेट्स आर मॉडरेट, जबकि मैन में जो होते हैं वो थोड़े से मध्यम दर्जे की मॉडरेट हो जाते हैं थोड़े से। ठीक है, उसमें थोड़ी सी जो गलतियों की संभावना है वो हो जाती है, जबकि वैन में एरर रेट्स आर हाई इन वैन। देखो वैन में जो है एरर के जो रेट्स है, एरर रेट की गलतियों की जो दर है वो बहुत ज़्यादा है। वैन में कई बार हमारा डाटा डाउनलोड हो रहा होता है तो वो एकदम से फेल हो जाता है, और इसमें ज़्यादातर जो है डाटा की हैकिंग का भी खतरा रहता है ना इसमें, क्योंकि पूरी दुनिया के नेटवर्क मिलकर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था लैन मैन और वैन के बीच में डिफरेंस। तो आज के लिए इतना ही काफी था, कल फिर हम नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी घर में सुरक्षित रहिए, ठीक है, और अपने आसपास भी लोगों को सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय हिमाचल।